जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? तो कैसे आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, कल के वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम लोगों के चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, तो हम भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज लेके आते रहेंगे। सो मेरा नाम है सोमेन, आप देख रहे हो टेक्नोगेन। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में पास में रखा हुआ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते बिना देर के टेक न्यूज की तरफ। पहले अपडेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी सैड न्यूज है। मतलब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एक 17 साल के बच्चे ने अपनी माँ को गोली करके मार दिया, क्योंकि वो उसको गेम खेलने नहीं दे रहे थे इसलिए। और अभी दोस्तों यहाँ पे और एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, ये संडे का ही न्यूज़ है। मैं आप लोगों को आर्टिकल शेयर ज़रूर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा आर्टिकल का, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। ऐसा केस हुआ कि मतलब ये 16 साल का बच्चा था आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे ये पबजी खेलता था अपने दोस्त लोगों के साथ ऑनलाइन में। और यहाँ पे अब उसके दोस्त क्या किए कि यहाँ पे उसको हिमलाइट किए, थोड़ा तंग किए, थोड़ा सा इसको जलील किए, और बेचारा घर में आके सुइसाइड कर लिया। मतलब 16 साल का बच्चा, आप सोच रहे हैं मतलब क्या ही देखा होगा दुनिया में। अभी तो कितना सारा जिंदगी पड़ा हुआ था, जो भी हो ये सब हो रहा है यहाँ पे ऑनलाइन बैटल ग्राउंड गेम वगैरह को लेके। तो मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि पेरेंट्स लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके बच्चे को मतलब ये गेम वगैरह से दूर रखिए। तो आज भी मैं वही बोलना चाहूँगा आप लोगों से, बच्चे लोगों को प्लीज़ गेम से दूर रखें। हाँ, हो सकता है कि मतलब इसके लिए कुछ अच्छा कोई चीज़ निकाले गवर्नमेंट, मतलब कोई ऐसा अवेयरनेस सिस्टम चालू करके गेम के हर 15 मिनट आधा घंटा बाद एक एडवर्टाइज है जिसमें इसमें बताया जाए कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करने का, गेम को सीरियस उतना नहीं लेने का। आप गेम खेल रहे हो, आप कोई उसमें उसके अंदर आपका पूरा ज़िंदगी नहीं है, आपका ज़िंदगी बाहर के दुनिया में, आपको पढ़ाई भराई में ध्यान देना है। ये सब लेके एक अवेयरनेस करना चाहिए, नहीं तो मतलब आगे का जो सिचुएशन हो रहा है वो बहुत ही ख़राब होने वाला है। सो मैं चाहूँगा कि मतलब आप लोग भी ये इस वीडियो को शेयर करें और गवर्नमेंट तक पहुँचे कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ एक्शन ले। मतलब हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि जिस कंपनी ने इस गेम को बनाया उसका कोई यहाँ पे भूल नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक अवेयरनेस करना चाहिए जिसमें थोड़ा सा कुछ हो जाए अच्छा। अगले अपडेट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बहुत जल्दी हो सकता है पॉसिबली हम लोगों को इंडिया के अंदर 3D मैप देखने को मिल जाए, क्योंकि इसरो के साथ यहाँ पे मैप माई इंडिया ने पार्टनरशिप किया है कि फ्यूचर में हो सकता है 3D मैप हम लोगों को देखने को मिल जाए इंडिया के अंदर। एक्चुअली बाहर में 3D मैप है, इंडिया में नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इंडिया में भी ये फैसिलिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे मैप माई इंडिया के थ्रू। और इसमें क्या आपको सुविधा मिलेगा मालूम है, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, ज़्यादा बारिश हो गया या बर्फ़ गिर गया, तो आपको मतलब 3D मैप के जरिए आप देख पाइएगा कि मतलब वहाँ पे कितना बारिश हुआ है, कितना पानी जमा हुआ है या कितना बर्फ़ गिर के जम गया, ये सब आप देख पाइएगा। ये ही 3D मैप में आपको बहुत सारे सुविधा देखने को मिलेगा, और जो आप रास्ता पहचानते नहीं है वो भी आप अच्छे से देख पाइएगा। सो देखते हैं कब तक आता है ये 3D मैप इंडिया में, एक अच्छा चीज़। अगले अपडेट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, Realme GT2 Master Explorer Edition, यस, इसका ऑफिशियल फर्स्ट लुक बाहर आ चुका है, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जरूर देख सकते हैं। जिसके बारे में बात करूँ तो दोस्तों, 6.7 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ में 120 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करूँ तो दोस्तों, 50 MP का यहाँ पे आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50-50-2। और फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो दोस्तों, 16 MP का यहाँ पे आपको एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ ही में दोस्तों आपको 100W का एक फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। अगले अपडेट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे OnePlus 10T ऑनलाइन लिस्ट हुआ है, और डिजिटल चैट रेशन के तरफ से पता चल रहा है कि इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, साथ ही में 16 MP का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, और 50 MP का यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। दोस्तों ये एक फ्लैगशिप फोन है, और जिसके अंदर आपको बैक में जो रियर कैमरा है उसके अंदर आपको 50 MP, 8 MP और 2 MP का ट्रिपल रियर सेटअप देखने को मिलेगा। तो बात तो यहाँ पे एक फ्लैगशिप फोन के अंदर 8 MP, 2 MP का कैमरा क्या कर रहा है, मतलब ऐसे अगर चलता रहा OnePlus, अगर नहीं सुधरे तो हो सकता है कि OnePlus इंडिया से और ग्लोबली से खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गो हो जाए। सो देखते हैं कि मतलब OnePlus क्या वाकई में ये इसी फीचर्स के साथ लॉन्च करवाता है कि मतलब थोड़ा कुछ चेंज करवाते, या ये फोन इसके साथ लॉन्च होता है, बाकी दूसरे
जो फोन आने वाले उसमें कुछ अच्छा करते हैं। अगले अपडेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों, आप जो भी यूज कर रहे हैं मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, जिसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो सारे प्रोडक्ट के प्राइस यहाँ पे थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा यहाँ पे डिस्प्ले हब बोलिए या डिस्प्ले मैन्युफैक्चर प्लांट बोलिए इंप्लीमेंट होने वाला है। यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने इलिट के साथ पार्टनरशिप कर लिया और 24,000 करोड़ रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया में सबसे बड़ा डिस्प्ले मैन्युफैक्चर पॉइंट बनाने के लिए। और ये अगर बन गया तो बहुत लोगों को यहाँ पे काम भी मिल जाएगा, बेरोजगारी इंडिया में थोड़ा सा कम होने वाला है, उसके बाद हम लोगों को मोबाइल, टीवी, लैपटॉप में थोड़ा प्राइस भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले हम लोगों को बाहर से डिस्प्ले लाना पड़ता था, उसके लिए अलग से कॉस्ट लगता था, लेकिन अब इंडिया के अंदर ही यहाँ पे डिस्प्ले मैन्युफैक्चर होने वाला है। अगले अपडेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों, नथिंग फोन 1, यस, कल मैंने आप लोगों को इसका फर्स्ट लुक दिखाया था और बोला था कि ये फ्लिपकार्ट पे आ चुका है, आप देख सकते हैं और प्री बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ये सब के बारे में बताया था। और दोस्तों अभी ये पता चल रहा है कि कंफर्म इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर होने वाला है, मतलब ये कुछ दिनों से इसका हॉट टॉपिक चल रहा है, नथिंग फोन, मतलब हर एक जगह पे, ट्विटर पे बोलिए, यूट्यूब पे बोलिए, नथिंग फोन। सो इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर होने वाला है तो इसका प्राइस भी थोड़ा सस्ता देखने को मिलेगा, मतलब जो प्राइस होने वाला था हम लोग जो सोच रहे थे तो उससे थोड़ा कम ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि बहुत महंगा होने वाला है, लेकिन उतना महंगा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो थोड़ा सस्ता होने वाला है नथिंग फोन। यस, सो चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में पास में रखा हुआ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, जय हिंद।